और ऐसी जगह पे उसे रखा हुआ है अटक जेल में, जो जानवरों लायक भी नहीं है जहाँ रखा जाए। ये जो है मैंने उसको उसको दी है, बताई है उसको, और कल मैंने खान से मिलना भी है, इसलिए कि उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप ज़रूर प्लीज़ मिलिएगा। तो मैंने आज उनको बताया है जो चीफ साहब ने इजाज़त तो दी है। आज जब शुरुआत हुई बहस की तो वो वकील साहब आ गए एक मुदई की, पता नहीं उसके लिए कौन इंतज़ार कर रहा था। मुदई के वकील साहब वो हैं जो मेरे शागिर्द के शागिर्द हैं, जो वज़ीर कानून के, और माशाल्लाह वो शुरू दिन से, पहले दिन से वो वकील हैं मुदई के, पहले दिन से इलेक्शन के, वो सारे ट्रायल में मौजूद हैं और कहते हैं जी मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। तो जज साहब ने कहा भाई तुम तो खुद बीच में रहे हो, 2 हफ्ते चाहिए मुझे। मैंने कहा सुभान अल्लाह, जब हमने मुखालफत की तो कहता है 10 दिन दे। तो फिर मैंने कहा जनाब जज साहब बहुत औलिया, उस दिन जब मैंने पहले दिन आपको बहस की थी, आपने अपील समाअत के लिए मंजूर की थी, उसी दिन आपको मुअत्तल कर देनी चाहिए थी सज़ा, उसी दिन आपको सस्पेंड कर देनी चाहिए थी सज़ा, फिर भी आपने बावजूद नोटिस दिया शॉर्ट डेट के लिए, और वो तब इसलिए ना लग सका कि आप बवजह इलालत चीफ जस्टिस साहब बीमारी की वजह से अदालत नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से तसाहल होकर आज लगी थी। तो मैंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, इसलिए कि ये आप मेरी ज़िंदगी का हक मुझसे छीना लें, जो अल्लाह के हाथ दी हुई एक इनाम है इंसान को, और आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, और ये हर दिन हर लम्हा जो मेरा गुजर रहा है ये मेरी ज़िंदगी से काट रहे हैं आप, जिसका किसी दुनिया में किसी शख्स को किसी अदालत को अख्तियार नहीं है, क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। और मैंने कहा जी ये देखें कि फसाद की सबसे बड़ी जड़, इस सारे गुनाह की जो एक शाखसाना है, वो तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने ये फैसला दिया कि इमरान खान जो है वो 62/63(1)(p) में ये डिसक्वालीफाई हो गए हैं, ये नाअहल हो गए हैं, और आगे लिख दिया कि इनके खिलाफ जो है फौजदारी मुकदमा भी कायम किया जाए। अच्छा अब अंदाज़ा करें कि वो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और उसमें एडमिट हो गया है, और उसमें कहा गया कि कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी इसके पादाश में, और देखें कितने खुले नंगे तौर पर उसका प्रोसिक्यूशन भी हुई और सजा भी होगी। और फिर मैंने कहा जी आप जूरिस्डिक्शनल इनकैपेसिटी है, उस अदालत को अख्तियार ही नहीं था एडिशनल सेशन जज को ये केस सुनने का, इसलिए कि सेक्शन 193 CRPC कहता है कि कोई सेशन कोर्ट, कोई सेशन कोर्ट बराह रास्त कोई केस नहीं सुन सकता, वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, मैजिस्ट्रेट रेफरल करता है 193 में कोर्ट ऑफ सेशन अगर हो। और मैंने 2022 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू का हवाला दिया एग्जैक्ट इसी नुक्ते पर, एग्जैक्ट इसी नुक्ते पर उन्होंने सेशन के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया एग्जैक्ट इसी पर। तो फिर मैंने कहा जी ये तो सारा ट्रायल ही जो है गैर आइनी है, और ये इसकी सज़ा जो है वो कलदम है और ये नॉन एस्ट है। फिर मैंने कहा जी दूसरी बात ये है कि ये कंप्लेंट जो मुदई किया गया है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, वो कर ही नहीं था सकता कंप्लेंट जो है ये इलेक्शन एक्ट के तहत, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लेंट कर सकती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को डेलीगेट कर सकती है, यहाँ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन नहीं है सेक्रेटरी, वो एक मुलाजिम होता है, वो कंप्लेंट जो है कर रहा है वो कैसे कर सकता है, ना उसको कोई डेलीगेशन है, सेक्रेटरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को दे रहा है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है कंप्लेंट कर रहा है, तो ये कंप्लेंट ही जो है इनकॉम्पिटेंट है, ये नाकाबिल है, ये एक रद्दी का कागज़ का टुकड़ा है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। और फिर मैंने कहा जी उसमें भी लिखा हुआ है 120 दिनों के जो डेक्लरेशन जो फॉर्म, ये मुझे कोई तोशे खाने की सज़ा नहीं दी गई, ये सज़ा इस चीज़ की दी गई है कि आपने जो डेक्लरेशन दिया है, हर MNA देता है, मैं खुद 10 साल देता रहा हूँ, 31 दिसंबर को देना पड़ता है और वो 30 जून पिछले साल का जो आपके महासिल होते हैं, जो आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं, उसका आप एक गोशवारा देते हैं इलेक्शन को, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के
उस डेक्लरेशन से 120 दिनों के अंदर, 120 दिनों के अंदर जो है कंप्लेंट हो सकती है, यहाँ तो कई सालों के बाद कंप्लेंट हो रही है, तो ये ज़ायदुल म्याद भी है। तो मैंने कहा जी मेरिट को भूल जाएं, मेरिट भी अगर जाएंगे तो उसमें भी मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, ढेले की इसमें कोई ऐसी ना तो खजाने का मामला इन्वॉल्व है। और फिर मैंने ख्वाजा आसिफ के सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, ख्वाजा आसिफ जो बड़ा धनत्तर बनता है इस वक्त, वो मुलाजिम था यूएई में, और हमा वक्त मुलाजिम था, फुल टाइम मुलाजिम था, और तनख्वाह लेता था जब वो यहाँ डिफेंस मिनिस्टर भी था जब फॉरेन मिनिस्टर भी था। और उसको जब नाअहल किया हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर उसको जो है कर दिया कि जी वो हर नाअहली हर चीज़ की जो है इंदराज जिक्र ना करना डिक्लेरेशन में, वो करप्शन नहीं होती है। डिक्लेरेशन में अगर कोई करप्शन से हासिल किया हुआ पैसा हो, यहाँ तो कोई करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर तोशाखाना का सारा केस भी ले लें, करप्शन तो है ही नहीं, मुरवजा वक्त के मुताबिक पैसे दे के खान साहब ने लिया, जो असेसमेंट की वो भी सरकारी असेसमेंट होती है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट था ही नहीं। तो मैंने कहा जी ये आप दे लें, और ये मैं एक दिन भी मैं आपको तारीख देने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आपसे ये न सुनवाए जाएँ केसेस, क्योंकि आपने जितने फैसले किए हैं आपने सारे इमरान खान के खिलाफ फैसले किए हैं, और जब आप मंजूर भी करते थे तो फिर उसी के पास वापस भेज देते थे। कभी आज तक हुआ है कि निगरानी एक्सेप्ट की जाए, रिवीजन एक्सेप्ट की जाए और फिर उसी को कहा जाए कि तुम फैसला करो, जो फैसला ऑलरेडी दे चुका है? दो मरतबा यही किया गया। और फिर मैंने कहा जी कि अगर आज आप मुलतवी करेंगे तो फिर आज ख्वाजा हारिस नहीं आया, कल हो सकता है मैं भी ना आऊँ, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर ये है कि आपसे ना सुनवाया जाए किसी, और आप इसलिए के बायस्ड हैं। एक तरफ तो आप देखें कि जब इसकी डिफेंस इमरान खान की स्ट्राइक ऑफ की गई है, सफाई देने का मौका इसको बंद कर दिया गया है, और उसकी जब हमने नालिश की तो आपने नोटिस दिया, नोटिस दे के आपने प्रोसीडिंग स्टे क्यों नहीं की? अब क्या होगा, वो रिविजन पेंडिंग यहाँ पड़ी हुई है, तो क्या रिविजन उसका क्या अचार बनाएंगे? आपने उसको तो इनाम दे दिया, उस एडिशनल सेशन जज को अगले ही दिन लंदन में भेजा गया है, एक को रिमूव करके जिसका नाम जाना था, जिसने उसका नाम हटाकर इसको इनाम के तौर पर भेजा गया है लंदन में, और लंदन में वो वसूली करने गया है इमरान इससे, नवाज शरीफ से, और उसके साथ वो जो है लंच या डिनर या जो भी ये कर रहा है। तो क्या इस तरह से सजाएँ की जाएंगी? और ये जो है क्या बनाना रिपब्लिक बना दी है? तो मैंने कहा कि जी आज से हमारा फिर जो है, हम भी फिर जो चीज़ें नहीं कहना चाहते थे, हम अदालत की तकरीम में, अदालत की ताज़ीम में, इस तकद्दस इस इदारे के तकद्दस के तौर पर, ताकि दुनिया तमाशा ना देखे, फिर सॉरी मेरे हमारे ऊपर प्रेशर जो है क्लाइंट्स का भी होता है, आज ही आप फैसला करें, भले मैं ये नहीं कह रहा मेरे हक में करें, जो करना है आज आप करें। और 6 महीने तो सदर ने 14 अगस्त को माफ़ी दे दी, 3 साल सारी सजा है, सुप्रीम कोर्ट के बेबहा फैसले हैं कि ये शॉर्ट सेंटेंस है, और इसमें सजा जो है हमेशा इनवेरिबली हुई है, और वो जो है फिर भी उसको दो दिन दिए, तो फिर देखेंगे कि इंशाल्लाह क्या होता है। लेकिन अब आमिर फारूक साहब इसलिए सुन नहीं सकते ये केसेस, क्योंकि इनके जितने फैसले हैं वो इन्हीं के फैसलों की वजह से उसने सजा किया, तो क्या हम अपने ही फैसलों के खिलाफ ये अपील सुनेंगे? क्या ये अपने फैसलों के खिलाफ खुद अपील सुन सकते हैं? ओ भाई, फैसले तो आपके हैं, जो आपने बार बार उसे भेजा के फैसला कर, 7 दिनों के अंदर फैसला कर, तो फिर आप ही के फैसले आप खुद सुनेंगे? तो इन्हें तो खुद मैं आज आपके तवसल से ही एक इल्तजा करूँगा कि बेहतर है कि इसको इस केस से ये अपने आप को अलहदा कर लें, क्योंकि यहीं आपके एक साथी ने बड़ा खूबसूरत ये मुझे बताया कि अपने ही फैसलों के खिलाफ ये कैसे अपील सुन सकते हैं, और ये यही है कि इन्हीं के फैसले हैं। अब या क्या अपील में ये अपने फैसलों के खिलाफ सुनेंगे? इसी तरह है जिस तरह एडिशनल सेशन जज को इन्होंने कहा कि तुम्हारा ये फैसला गलत है, तुम फिर इसको फिर दूसरी दफा गया, फिर उसको कलदम करके फिर कहते हैं दोबारा तुम इसको सुनो, तो अब अपने ही फैसलों के खिलाफ क्या खुद सुनेंगे जो इन्होंने उसके खिलाफ किया? तो ये यकीनी बात है कि मैं इस्तदा करूंगा कि आप रिक्यूज़ करें और कोई और बेंच इसको सुने,
ताकि वो जो साहिल का है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन। इंसाफ सिर्फ करना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए, और हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। थैंक यू वेरी मच।